हेलो गाइस, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग है क्योंकि अभी रात के करीब 9:30 हो गए हैं और हम लोग चूँकि दिन में खाना खाए थे थोड़ा लेट में, तो अभी हम लोग इस समय खाना वाना नहीं खाएंगे। और ये देखिए आम का, ढेर सारा आम से खिलाया हमको, बस पेड़ का ये पका हुआ है पेड़ से। तो इसका क्या बनाइए, अमरस बनाइए। अब अमरस उसमें दूध में मिला के ना थोड़ा सा, और हम लोगों ने कुछ और भी ऑर्डर कर रखा है। अब वो ऑर्डर आएगा तो साथ में इस समय का खाना वाना खाया जाएगा। कुछ ऑर्डर आया है और अभी आ रहा है जस्ट 15 मिनट, ओनली 15 मिनट्स लेट। और 15 मिनट के बाद रिवील होगा आज का हम लोगों का इवनिंग वाला टाइम पास। कोड नहीं कर गया तो अभी आज शाम को खाने का प्रोग्राम नहीं है बिल्कुल भी। और हम लोग कुछ नहीं खाएंगे, बिल्कुल शाकाहारी और शुद्ध। आज मंगलवार है, बिल्कुल हम लोग आज डाइट पर रहेंगे। और देखिए हम लोग का डाइट कैसे रहता है, और हम लोग दिन का तो डाइट आपको कभी फिर बताएंगे हम लोग, और अभी इवनिंग वाला डाइट हम लोग आपको बताएंगे। और बहुत ही सरप्राइजिंग डाइट होगा, इतना बेहतरीन डाइटिंग है, चूँकि वो एक स्पेशल चीज़ है तो हम लोग इसीलिए उसको ऑर्डर किए हैं। अभी आ रहा है वो, पहुँचने ही वाला है। तुम हंस रही हो, तुम मजाक कर रहा है क्यों? तुमको नहीं विश्वास है कि डाइटिंग हो रहा है? पेट तो निकाल निकाल के डाइट, पेट मेरा अंदर हो गया बेटा। मेरा वेट ना पता है घट गया है एकदम बिल्कुल। तो गाइस मेरा वेट अभी 100 kg हो गया था, 1 क्विंटल। अब फिर उसके बाद से मैं चेहरे को देखिए, 100 क्विंटल के चेहरे देखिए, इतनी मासूम सा चेहरा। 100 क्विंटल नहीं बे, 1 क्विंटल 100 kg। हाँ तो वही ना, 100 kg का 1 क्विंटल, तुम 100 क्विंटल बोल रहे थे तो 1000 kg, अरे बाप, हाथ ही बराबर हो जाते हैं। तो गाइस नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये फालतू स्क्रू थोड़ा ढीला है ना, ध्यान नहीं देना। तो अभी वेट मेरा 93 हो गया था एक्चुअली में, नवरात्र वगैरह में सब अभी हो गया था, फिर इधर जो है 94 point something हो गया, 95 के आसपास हो गया। बट कोई बात नहीं, आज का जो मेरा स्पेशल डाइटिंग होगा ना, देखना मेरा 4 kg वेट घटा देगा गाइस, देखिएगा। और एक क्या हुआ स्पेशल वो है डाइटिंग है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये तुम्हारा शेक तैयार हो गया है, क्या बनाई, कहाँ रखी हो? फ्रिज में डाल दी हो? सही, उसमें क्या डाली हो? केवल दूध और वो मिल्क, मैंगो। तो गाइस अभी हम लोग मिल्क और मैंगो पियेंगे, शेक इसका मैंगो शेक, और उसके साथ हम लोग डाइटिंग वाला फलाहार लेंगे। वो डाइटिंग वाला फलाहार अभी आ रहा है, अभी देखिए कैसा है। लास्ट में ये क्रेटा खड़ी है 0808, हाँ एक पेड़ के नीचे दाहिने साइड में। मैं नीचे आ रहा हूँ। गाइस हम लोगों का डाइटिंग वाला ऑर्डर आ चुका है, तुम तब तक ये पकड़ो, मैं जाके लेके आ रहा हूँ। गाइस अभी 5 मिनट तुम यहीं रहना, मैं लेके आ रहा। ये हम लोग की डाइटी प्लान है। तो गाइस देखिए हम लोग दो दो भर भर की डाइटिंग कर रहे हैं, गोरम में जी और खाया जाए मस्त। ये मैं मैंगो सिखला रही हूँ। हाँ यस गाइस, हम लोग ये डाइटिंग अभी दिखाते हैं वो कैसे इस डाइटिंग को अच्छे से। अब इसको खाने का तरीका है, उससे डाइटिंग होगा और आपका वेट बढ़ेगा। वाह गाइस देखिए हैप्पी ने क्या बनाया है, ये शानदार मैंगो शेक, क्या शानदार बनाई हो यार, आम और दूध का मिला के मैंगो शेक, वेरी गुड। वाह पनीर वाला तो मेरे पास खुल गया, और तुम्हारा स्वीट कॉर्न आधा आधा बांट लिया जाए। वो तुम्हारे में तुम्हारा है, तुम्हारे में मारा, रुक जाओ उतारा। छीन लेने जी ना,
नहीं रहा। एक पनीर गिर गया, ये लो। तो अब ये हम लोग आधा आधा हाफ हाफ, और ये डाइटिंग हम लोग करेंगे। डाइटिंग हो रहा है ना, मस्त मज़ा आएगा, इतना शानदार लग रहा है ना, पनीर और स्वीट कॉर्न मिक्स है ना। Ago. You told me that you got me when your check came home. I've been waiting patiently cause you my homie bro. But times is getting hard so I'ma need to see that cheddar though. You ain't been picking up, you finding escapes. I might have to wipe you out just like you Colgate. You've been ducking at the crib thinking that you safe. But little do you know I'm posted right up in your driveway. I'ma beat you up, I'ma tear you down. I'ma turn your little smile into a big ol' frown. Cause evidently you don't wanna send a message now. And you holding to my money like you Oscar Proud. I'ma find you and I'ma get you. I'ma stick into your head just like I'm Cantu. It's a couple things in life I'll make amends to, but owing me some money, hell no. This is ghee ka swad aa raha. Iske saath ye milk shake. Maza aa gaya yaar. Iske saath milk shake to. ये एक कॉर्न में खा गया, अब मैं ये वाला पनीर वाला खाऊंगा इसके अंदर। ये पनीर वाला खाऊंगा, पनीर भी बहुत कम कम देता है ना, दो तीन दिन भी डालता है। प्याज डाला है इसमें, पनीर नहीं भर भर का। वाह ये भी अच्छा है। तुम तो बड़ा तेज खा रही हो, सॉस भी लगाई हुई जी। तो स्वाद देना मुझको भी, सॉस के साथ अभी थोड़ा ट्राई करूं, सॉस के साथ कितना मज़ा आता है। सॉस ज़्यादा नहीं डालूंगा, ये क्यों नहीं रहा? ये लास्ट टुकड़ा बचा है मेरा, वो फिनिश कर दी बहुत तेज। मैं चूंकि डाइटिंग कर रहा हूँ इसलिए मैं धीरे धीरे खाता हूँ, मैं तेजी से नहीं खाता क्योंकि धीरे धीरे और खाने को चबा चबा के आराम आराम से खाना चाहिए। जो जल्दी में खाता है उसका पाचन शक्ति ठीक से नहीं होता, मेरा पाचन शक्ति भी खराब। हल्की हल्की बारिश भी आ रही है, ऊपर बदले भी हैं, चारों ओर सन्नाटा ही सन्नाटा। कुत्ते नहीं दिख रहे हैं, इधर भी छुपे नहीं है कहीं, कहीं तो छुपे होंगे ना। तो गाइस अभी हम लोग, चूँकि इवनिंग जो हम लोगों का डिनर था वो पूरा डाइट से भरा था, तो अब उस डाइट को थोड़ा सा एक्सरसाइज करके
उसको पचाना भी होगा, तो हम लोग उसको जो है एक्सरसाइज करके जस्ट वॉक करके पचा लेंगे। अभी 10 बज रहे हैं, 10 और अभी हम लोग थोड़ा सा हाँ 10 से 11 टहलेंगे, और 10 से 11 नहीं 10:30, आधा घंटा बहुत, आधे घंटे हम लोग वॉक करेंगे, और वॉक करने के बाद इसको पचा उचा के एकदम टका टक कर देंगे। नहीं पूरा सब क्या पूछ रही हो गाइस, आप लोग बताइएगा सांड का पूछ होता है कि नहीं होता है? क्यों नहीं, कमेंट में जरूर बताइए। गाय हो भैंस हो चाहे सांड हो सबको पूछ होगा, पूछ नहीं होता सबका होता है। अगर होता है गाइस तो आप लोग कमेंट में जरूर कमेंट कीजिएगा कि सांड का पूछ होता नहीं है। हां भाई मैं गाइस लोग सारे कैटल्स के पूछ होते हैं, ये तो बड़ा गाय के जितना बड़ा पूछ होता है, छोटा या बड़ा हो उससे कोई मतलब नहीं, बड़ा बड़ा इतना पूछ होता है। अच्छा पता नहीं, चलिए कमेंट करेंगे तो पता चल ही जाएगा किसका पूछ होता है किसका पूछ नहीं होता। इन सबको देखो कितने मौज कर रहे हैं, इनके इनके तो मौज है भाई, इनके इतना मौज किसी का नहीं। कहाँ डर रही हो? मैं देखो काट रहा, ये देखो ये अभी सो नहीं रहा। इनसे पूछो पूछ है इनको, कुत्ता का पूछो इन लोगों का पूछ है कि नहीं, कुत्ता का पूछ पूछ है भाई, घुमाओ इसको। चलो 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 राउंड है, और लगभग 20 मिनट हो चुके हैं, और हम लोग भयंकर डाइटिंग प्लान में चल रहे हैं, और लगता है आज 10 केजी वेट तो कम हो जाएगा। क्यों सची, मेरा तो मेरा कहीं ज़्यादा ना कम हो जाए यार। चलो चलो बाहर चलो, हम लोग थक चुके हैं बहुत ज़्यादा, और घर पास आ चुके हैं, अब सीधे घर निकलेंगे। भाग लो तो कुत्ता दौड़ाएगा अभी बिना पहुँच वाला, तुम बता रहे एक डॉगी का बिना पहुँच का है दौड़ा देगा अभी तो। भाई अब चलिए घर पे मिलते हैं सीधे। तो गाइस फाइनली हम लोग थक चुके हैं, और अभी लगभग आपके सामने 6:10:40 हो रहे हैं, तो अभी हो गए हैं लगभग 10:45 और रात हो चुकी है। तो गाइस ऐसे आज हम लोगों ने आज के डेट का डाइटिंग किया, बट प्लीज़ आप मत करिएगा, आपके लिए नहीं है ये, सिर्फ मेरे लिए था जस्ट फॉर फन। और तो गाइस अभी हम लोग थक चुके हैं, और नो डाउट थोड़ा बहुत तो मज़ा आया ही होगा। तो नए हैं सब्सक्राइब करिए फटाफट, और पुराने हैं तो मजा लीजिए और लाइक कर दीजिए फटाफट। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट मॉर्निंग कल अगले ब्लॉग में, अगले वीडियो में, अगले फन और मस्ती के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट। Sorry, it's DJ.